तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए लेक्चर में, जहां आज हम लोग अपने वेक्टर्स चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। और जहां तक मुझे याद है, मैंने आपको कई सारे आपको कॉन्सेप्ट सिखा रखे हैं वेक्टर्स के। तो अब मेरे ख्याल से हम लोग पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स या फिर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ने के लिए। हाँ बच्चों, इसको एडिशन ऑफ वेक्टर्स भी तुम बोल सकते हो और दो वेक्टर का रिजल्टेंट भी समझ सकते हो। तो बिल्कुल ध्यान से समझो बेटा, एडिशन तो आप बहुत छोटी क्लास से करते आ रहे हो, बहुत ही छोटी क्लास से करते आ रहे हो, पर शायद उस एडिशन में जो आपने अभी तक किया है और वेक्टर्स जिस तरीके से आपस में ऐड होते हैं, वे दोनों ही तरीके कुछ हद तक थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो आखिर वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं सर? सर, वेक्टर को ऐड करने के लिए कुछ लॉज दिए गए हैं और उन लॉज को ही फॉलो करना है अगर हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना है। तो जो दो लॉज हमें हैं हमको पढ़ने हैं हमारे सिलेबस में, उसमें से पहला लॉ है ट्रायंगल लॉ और सेकंड लॉ हो जाएगा बच्चों पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इस लॉ को शुरू करने के पहले एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको सिखाता हूं, बहुत ही आसान सा, जिसको तुम समझ सकते हो, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। देखो, दो वेक्टर्स अगर हैं, मान लो ये है एक वेक्टर ए वेक्टर और ये रैंडम कहीं पड़ा हो, मान लो बी वेक्टर। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों बताओ ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कितना एंगल है, तो देखो एक प्रॉपर्टी का यूज करना होगा आपको। क्या आपने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी सुनी थी मेरे मुझसे? हाँ सर, सुनी थी ना। क्या शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये कहती है कि एक वेक्टर के एंगल को चेंज किए बिना आप उसको आगे पीछे ऊपर नीचे सामने अंदर कहीं भी ले जाओ, उस वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ सर, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यही कहती है। तो बिल्कुल ध्यान से देखो, जब भी मैं तुमसे दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पूछता हूं या फिर कोई भी तुमसे दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पूछता है, आप शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करो और दोनों वेक्टर को टेल टू टेल जॉइन करो। मतलब दोनों के टेल्स आपस में कोइंसाइड करने चाहिए, एक ही पॉइंट पे होने चाहिए। तो देखो ध्यान से, अगर ये बी वेक्टर है बच्चों, अगर ये बी वेक्टर है तो क्या मैं इसको शिफ्ट करके ऐसे यहां ला सकता था ना, ऐसे यहां पे ऐसे? हाँ सर, ला सकते थे ना। बस इसके पैरेलल लाना था, तो लो भाई इसके पैरेलल लाया, बिल्कुल लाया पैरेलल। उतना ही बड़ा लाना था, तो चलो सर उतना बड़ा भी ला दूं, कोई बड़ी बात नहीं है। लो अब इसको मिटा दूं मैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वही वेक्टर है जो ये है। क्या ये बी वेक्टर कहलाएगा? हाँ। क्या दोनों के टेल आपस में जुड़ रहे हैं? हाँ। तो अब इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा होता है, यही कहलाता है बच्चों एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो याद रखना, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल वो एंगल है जो उन दोनों के टेल्स को आपस में ज्वाइन करने से नजर आएगा। देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा एक अच्छा सवाल देता हूं, तो मुझे जवाब दो क्या कितना है दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल। सपोज ये मेरा ए वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है और ये एंगल है बेटा 120 डिग्री। कितना है बेटा ये एंगल? 120 डिग्री। बताओ ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल कितना है? व्हाट इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर? ऑप्शन दे देता हूं, 120 है एक ऑप्शन, दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल पूछ रहा हूं मैं, क्वेश्चन है, अच्छे से नोट कर लेना बच्चों। एक ऑप्शन है 120 डिग्री, एक है 60 डिग्री, एक है 30 डिग्री और एक ऑप्शन है मान लो 45 डिग्री। तो बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो इन दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल को रिप्रेजेंट करता है? सर ध्यान से देखो, आपने तो बहुत ही आसान सवाल पूछा है। ये एंगल अगर 120 है तो ये एंगल सर 60 होगा। शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया। और सर अगर ये बी वेक्टर है तो इसको बिल्कुल ऐसे कैसे पैरेलल लाके यहां पे शो किया जाए ऐसे, तो सर ये भी बी वेक्टर ही होगा, ये भी बी वेक्टर ही होगा, ये बदल थोड़ी जाएगा। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी तो लगाई सर, बी को लेके पीछे ले आए, जब मैं पीछे लाया तो क्या सर दोनों के टेल आपस में जुड़ गए? शाबाश बच्चों, टेल आपस में जुड़ गए। क्या ये वाला बी वेक्टर पहले वाले बी वेक्टर के साथ पैरेलल होना चाहिए? हाँ सर होना चाहिए। मतलब क्या ये दो लाइंस जैसे आपको नजर आ रही होंगी जो आपस में पैरेलल है और उसको एक तीसरी लाइन कट कर रही है? हाँ सर नजर आ रहा है। तो अगर ये एंगल 60 है तो सर ये एंगल भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा सर। और अगर ये एंगल 60 होगा तो क्या इस 60 के समय दोनों के टेल्स आपस में जुड़े हुए थे? हाँ। तो इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 120 नहीं है बच्चों, 60 डिग्री आंसर है। आप में से जिन बच्चों ने पहले सोच लिया था ये आंसर या निकाल लिया था, शाबाश बच्चों, बहुत अच्छी बात है। और जिनसे नहीं हुआ कोई बड़ी बात नहीं है, शायद ये हमने पहली बार यहां पे हमारे सामने किया है, पर उम्मीद है आगे से आप भी तुरंत अपने दिमाग में एक बात लाओगे कि नहीं पहले चेक तो कर ले टेल से टेल जुड़ा भी है कि नहीं और तब बता आंसर क्या होने वाला है, उससे पहले आंसर सोचने की या बोलने की जरूरत नहीं है।
तो शाबाश बच्चों, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था एंगल बिटवीन वेक्टर्स का, जो बस ये बताता है कि दो वेक्टर्स का एंगल हम उस एंगल को मानते हैं जो दोनों को टेल से टेल ज्वाइन करने पर नजर आएगा। ठीक है, तो अब आते हैं अपने लॉ की तरफ। ट्रायंगल लॉ पढ़ने से पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं भाई, जाहिर सी बात है बिना ट्रायंगल के तो ट्रायंगल लॉ होगा नहीं। एक रैंडम ट्रायंगल ड्रॉ किया लो, मान लो ऐसा होता है ना बच्चों ट्रायंगल में, अगर गलत नहीं तो तीन ही साइड होती होंगी। हाँ सर तीन ही साइड होती है, परेशान मत हो, शाबाश बच्चों, चलो मेरी परेशानी कम की तुमने। अब देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखो, ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि मान लो तुम्हारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी। कितने वेक्टर हैं बच्चों? ए और बी, कुछ इस तरीके से रखे हुए हैं जैसे कि मान लो वो किसी ट्रायंगल की दो साइड्स रिप्रेजेंट करते हो। मान लो ये हो जाए ए वेक्टर और ये हो जाए बच्चों बी वेक्टर, कुछ इस तरीके से रखे हुए हैं जैसे मान लो किसी ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करते हो। और साथ साथ एक चीज और ध्यान देना, साथ साथ ए वेक्टर का हेड बी वेक्टर के टेल के साथ कोइंसाइड कर रहा हो। पूरी चीज ध्यान से समझो, लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर्स सच दैट दे रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन अ मैनर सच दैट हेड ऑफ ए वेक्टर कोइंसाइड्स विद टेल ऑफ बी वेक्टर, देन तो जो तीसरी साइड है ना बच्चों इस ट्रायंगल की, जो तीसरी साइड होगी ना बच्चों इस ट्रायंगल की, वही एक्चुअली में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को शो कर रही होगी, वही एक्चुअली में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को शो कर रही होगी, या मैं ऐसे बोल सकता हूं वो ही साइड ए और बी के रिजल्टेंट के बराबर होगी, ए और बी वेक्टर के रिजल्टेंट के बराबर होगी। तो क्या हुआ पूरा का पूरा लॉ? पूरा का पूरा ये भी कहता है कि अगर ए वेक्टर और दो बी वेक्टर कुछ ऐसे रखे हुए हैं जैसे मान लो वो किसी ट्रायंगल की दो साइड्स को शो करते हैं, जैसे मान लो वो किसी ट्रायंगल की दो साइड्स को शो करते हैं, और साथ साथ ये भी कहा गया है साफ साफ कि ए वेक्टर का हेड बी वेक्टर के टेल से कोइंसाइड करना चाहिए, तो जो इस ट्रायंगल की तीसरी साइड होगी ना उस तीसरी साइड पे बनने वाला वेक्टर ही, उस तीसरी साइड पे बनने वाला वेक्टर ही ए वेक्टर और बी वेक्टर के रिजल्टेंट के बराबर होगा। ध्यान से समझो, तब जब तीसरी साइड का वेक्टर ए के टेल से शुरू होके बी के हेड पे खत्म हो रहा हो, मतलब यहाँ पे टेल से टेल का कॉम्बिनेशन और हेड से हेड का कॉम्बिनेशन होगा, ये हुआ तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या कहलाएगा बच्चों? रिजल्टेंट वेक्टर। इसको तुम और क्या लिख सकते हो बच्चों? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखो ध्यान से, तो रिजल्टेंट कैसे निकाला? रिजल्टेंट में ए के टेल से रिजल्टेंट का टेल कॉन्साइड करता है और बी के हेड से रिजल्टेंट का हेड कॉन्साइड करता है। यही तरीका है पहचान पाने का कि आखिर तीनों साइड्स में से रिजल्टेंट कौन सी है। चलो बच्चों इतना तो मेरा भी हक बनता है कि मैं एक बार देखो क्या तुम समझ भी पाए मैंने क्या बोला। लो लो भाई देखते हैं सर। हाँ बिल्कुल चेक करो, आप क्यों भी चेक कर सकते हो। लो मान लिए ये पी वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है, क्यू वेक्टर वेक्टर कुछ ऐसा है। चलो बताओ कौन से दो वेक्टर का सम किस तीसरे वेक्टर के बराबर है। ऑप्शन दे देता हूं, क्या पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर है, पी वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर है, कि क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर है, या फिर नन ऑफ दीज। बताओ कौन सा आंसर सही होगा। बिल्कुल ध्यान से खोजो, मैं हमेशा कहता हूं बेटा हमेशा वो वाली ट्रायंगल की साइड देखो, वो वाली साइड देखो जो टेल से टेल और हेड से हेड कनेक्टेड हो। क्या मुझे ऐसा लगता है कि आर में टेल से टेल और हेड से हेड मिल रहा है? हाँ, तो पक्का आर रिजल्टेंट वेक्टर होगा, पक्का आर रिजल्टेंट वेक्टर होगा। क्या पी और क्यू को भी अभी बार देख लो, क्या पी का हेड क्यू के टेल से जुड़ रहा है? हाँ, तो पक्का पी और क्यू का सम होगा आर वेक्टर के बराबर, और पहले ही पहला ऑप्शन यानी कि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर बिल्कुल सही हो जाएगा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऐसे आपको चेक करना होगा कि आखिर कौन सा वाला जो वेक्टर है वो किन दोनों के सम के बराबर है। एक और क्वेश्चन बच्चों, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ध्यान से देखो। मान लो फिर से एक ट्रायंगल हो जाए, मान लो ये P वेक्टर, मान लो ये R वेक्टर, ये Q वेक्टर,
ये पी वेक्टर है। अब जरा बताओ कौन से दो वेक्टर का सम किसके बराबर होगा। अरे सर क्या ये तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल हो गया, ये तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल हो गया। मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पे टेल से टेल और यहाँ पे हेड से हेड जुड़ रहा है, यहाँ पे टेल से टेल और यहाँ पर हेड से हेड जुड़ रहा है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच आने वाला वेक्टर ही रिजल्टेंट होगा, मतलब आर वेक्टर होने वाला है बाकी दोनों वेक्टर का सम। तो फिर से पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर किसके बराबर होगा बच्चों, आर वेक्टर के बराबर होगा। तो शाबाश तुम लोग एटलीस्ट लॉ को समझ दो हो कि आखिर किन दोनों वेक्टर्स का सम किस वेक्टर के बराबर होता है। अब और कुछ कैलकुलेशंस हैं जो हमें सीखनी हैं, और कुछ कैलकुलेशंस हैं जो अभी हमें सीखनी हैं, तो उसको ध्यान से देखते हैं, उसको ध्यान से देखते हैं। ये तो हुआ बच्चों तरीका, ये तो हुआ तरीका एक वेक्टर लॉ को समझने का। आखिर ये r वेक्टर का क्या होगा मैग्नीट्यूड, आखिर ये r वेक्टर खुद ए वेक्टर से कितने एंगल पे है, ये सब भी तो हमें पता होना चाहिए ना भाई। क्योंकि अगर मैं किसी वेक्टर के बारे में पढ़ रहा हूं तो बहुत जरूरी है बच्चों मेरे लिए ये जानना कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है और उस वेक्टर का डायरेक्शन कितना है। तो एक छोटा सा डेरिवेशन करना होगा बेटा हमको यहाँ पे, एक बहुत ही आसान सा बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन करना होगा ताकि हम सीख जाए कि आखिर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है और आर वेक्टर पहले वेक्टर के साथ कितने एंगल पे होता है। तो देखो ध्यान से, मैं फिर से वही ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लो ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर और ये है आर वेक्टर। अगर मैं तुमसे पूछूं बच्चों ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल कितना है, तो तुम लोग ये मत बता देना कि सर ये एंगल है या ये एंगल है। ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें पहले यही सिखाया था, एंगल निकालना पहले सिखाया था ताकि मेरे अभी जो मैं काम करने जा रहा हूं उसमें मुझे कोई दिक्कत ना हो। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस कर लू, इसको ऐसे थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस कर लू और इसको भी ऐसे यहां से ज्वाइन कर लू। देखो मैंने डॉट लाइन से किया क्योंकि वो डेरिवेशन का पार्ट है, उसका लॉ से कुछ लेना देना नहीं है। तो देखो ध्यान से, ये वो एंगल है जो ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल कहलाएगा। अगर तुम्हें समझ नहीं आया कि ये एंगल क्यों कहलाएगा तो फिर पीछे जाओ बेटा, तुमने वीडियो ध्यान से नहीं देखा है, तुम्हारा कंसंट्रेशन कहीं और भटक रहा है और कोई रीजन नहीं हो सकता है कि तुम्हें समझ ना आए कि ये और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। तो देखो सबसे पहले मैंने वो एंगल फाइंड किया है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच है। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, क्या तुमको मैंने रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर भी सिखाया था? हाँ सर सिखाया था। क्या रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर ये कहता है कि अगर ये एक बी वेक्टर है, अगर ये एक बी वेक्टर है जो कि यहाँ पे कुछ थीटा एंगल पे है, तो इस बी वेक्टर को मैं दो टुकड़ों में भी तोड़ सकता हूँ, जिसमें से ये टुकड़ा क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा सर बी कॉस थीटा के बराबर, बी वेक्टर के कॉस थीटा के बराबर। और ये कंपोनेंट क्या आएगा बच्चों, सर ये आएगा बी वेक्टर साइन थीटा के बराबर। क्या तुमको मैंने ये सिखाया था? हाँ, जब कंपोनेंट करते हैं तो मेन वेक्टर को भूल जाते हैं, ये भी मैंने सिखाया था। हाँ सर आपने सिखाया था। तो देखो अब मुझे बी वेक्टर के साथ यही काम करना है, बी वेक्टर के साथ यही काम करना है। मैं ऐसे मान के चलता हूं कि जो मेरा ए वेक्टर है, मान लो मेरा ए वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड मॉड ए के बराबर है, जो मेरा बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड मॉड बी के बराबर है। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो बेटा, अगर ये बी वेक्टर है, इस बी वेक्टर का क्या एक कंपोनेंट इधर आ सकता है ये? हाँ सर, कितना होगा ये? सर ये होगा बी वेक्टर कॉस थीटा के बराबर। कोई समस्या है इसमें? नहीं सर कोई समस्या नहीं है। और क्या इस बी वेक्टर का एक कंपोनेंट ऐसे सीधा यहाँ भी आ सकता है? हाँ सर आ सकता है। वो कंपोनेंट आखिर कितना होता बच्चों? सर बी वेक्टर साइन थीटा के बराबर, बी साइन थीटा के बराबर। और क्या फिर से शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा कि मैं उसको यहाँ शिफ्ट कर दू तो ये बन जाएगा मेरा बी साइन थीटा के बराबर? हाँ सर ये बन जाएगा मेरा बी वेक्टर साइन थीटा के बराबर। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। अब जब मैंने कंपोनेंट कर दिया तो क्या मैं बी वेक्टर को भूल जाऊं? बिल्कुल सर भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ध्यान से, अब तुम्हारे पास कुछ एक ऐसा ट्रायंगल है, ए वेक्टर ये आपके बी वेक्टर का कॉस कंपोनेंट, ये आपके बी वेक्टर का साइन कंपोनेंट और ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर। क्या तुम्हें इतना नजर आता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा नजर आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल जैसा है। क्या इस राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज की ही तो वैल्यू मुझे फाइंड करनी है? क्या इस राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज यानी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, क्या यही मुझे फाइंड करना है? हाँ सर यही तो मुझे फाइंड करना है। तो जरा बताओ, क्या तुमने हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये सुना है फॉर्मूला? बिल्कुल सुना है सर। तो सुना है तो अप्लाई करो। चलो बहुत आसानी से देखो, मुझे निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैं लिखूंगा मॉड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू
मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कॉस थीटा स्क्वायर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो सर, बिल्कुल लिख सकते हो, या ऐसे भी लिखने की क्या जरूरत है, इसको तो और अच्छे से लिख सकते हो ना। ये कुल मिला के ये जो ब्लू से मैंने ए वेक्टर दिखाया ये क्या है, ये मॉड ऑफ ए वेक्टर भी तो है। मॉड ऑफ ए वेक्टर मतलब सर ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये बी कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा का स्क्वायर, ये ज्यादा सही रिप्रेजेंटेशन होगा बेटा। तो देखो मैंने क्या किया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का, सॉरी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस इसका और इसके मैग्नीट्यूड के सम का स्क्वायर। देखो दोनों के मैग्नीट्यूड के सम का स्क्वायर। मैंने सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है बेटा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो देखो ये मिलेगा मुझे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ध्यान देना, इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है? हाँ सर पता है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा। अभी तक कोई दिक्कत है? नहीं सर अभी तक कोई दिक्कत नहीं है हमको। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, क्या इन भी दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन लेके लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ सर लिख सकते हो, प्लस ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। हाँ सर इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन होता है बच्चों? हाँ सर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो वन होता है, ये तो हमने बहुत पहले पढ़ रखा है। अगर मैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को वन के बराबर रख दू तो बच्चों मुझे मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा के बराबर। और यहां से अगर मैं दोनों तरफ रूट लगा दूं बच्चों, रूट लगा दूं, तो जो मेरे पास फॉर्मूला आता है कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पूरे ही चैप्टर के लिए, या बेहतर रहेगा कहना कि आने वाले पूरे दो साल तक के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है कि आखिर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है। तो देखो बच्चों बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से हमने दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया है। हो सकता है बच्चों, बिल्कुल हो सकता है, शायद तुम्हारी उम्र में जब मैं रहा हूंगा तो मेरे साथ भी हुआ होगा कि पहली बार में ये डेरिवेशन मुझे नहीं क्लिक किया होगा। बिल्कुल पॉसिबल है, अगर ऐसा है तो खुद तुम अपने को कमजोर मत समझो, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहो। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, 10 मिनट का वीडियो होगा शायद जो तुम्हें पीछे जाके देखना पड़े, प्लीज जाओ और प्लीज दोबारा देखो। अगर तुम्हें आ गया है तो भी मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों कि एक बार दोबारा वीडियो देखना ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस और ज्यादा हो जाए, या अगर अगली बार तुम्हें डिराइव करना पड़े खुद से तो तुम खुद से भी डिराइव कर लो। बाकी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं रिपीट करके दिखाता हूं। देखो ये था मेरा ए वेक्टर, ये था मेरा बी वेक्टर, स्टेप वाइज सीखते हैं। स्टेप फर्स्ट में मैंने बी वेक्टर को उसके दो कंपोनेंट में तोड़ा है, एक हो गया है बड़ा बी कॉस थीटा और एक आया है बी साइन थीटा, बहुत बढ़िया। स्टेप टू में मैंने इस फिगर को दोबारा से ड्रॉ किया है जिसमें मैंने अब बी वेक्टर को शो ही नहीं किया। क्यों नहीं किया शो? क्योंकि सर या तो आप मेन वेक्टर को शो करते हो या तो उनके कंपोनेंट को शो करते हो, दोनों को एक साथ शो करने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों एक ही चीज को शो कर रहे होते हैं। तो देखो यही ट्राइंगल बन गया कुछ ऐसा ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को जैसे ही मैंने देखा मुझे क्लिक किया कि ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज ही तो आखिर मुझे कैलकुलेट करना है, और बाकी तो आसान सी बच्चों वाली चीजें हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर फॉर्मूले का यूज किया और सिंपल सा डेरिवेशन आपके सामने लेके आ गया। अच्छा आप कंफ्यूज नहीं होना सर, कभी आप मॉड लगाते हो कभी नहीं लगाते हो? देखो या तो वेक्टर के साथ मॉड लगाओ तो भी मैग्नीट्यूड कहलाता है, या फिर सिर्फ अल्फाबेट का यूज करो वो भी मैग्नीट्यूड ही कहलाता है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। मतलब मुझे यहां पे करेक्शन कर सकता हूं मैं चाहूं तो, इसको मैं ऐसे लिखूंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ये तो ये चीज लिखूं या ये लिखूं कुछ डिफरेंस नहीं है बच्चों, कुछ डिफरेंस नहीं है। और कहां गलती होती है सर? होती है एक जगह और,
थीटा पे काम कर लेना भाई, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और कैसे निकालते हैं दो वेक्टर के बीच का एंगल, वो मैंने तुमको अभी सिखाया है बच्चों, सिखाया है। हर बार जो एंगल दिख रहा हो जरूरी नहीं है कि वही दो वेक्टर के बीच का एंगल भी हो, तो तुम्हें याद रखना होगा थीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं। और आओ कुछ बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो जाए। चलो देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो बच्चों। चलो ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले अभी एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है, उसको सीखते हैं पहले। पहले मैं उन सबको रब करूंगा, उसके बाद ही तो मैं सिखा पाऊंगा। तुमको जब भी क्वेश्चन मिलता है ना दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट को फाइंड करने का, ज्यादातर क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं पूछता है, सिर्फ ये नहीं पूछता है कि आखिर रिजल्टेंट वेक्टर कितने, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है। तो ज्यादातर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है सर, देखो ज्यादातर क्वेश्चन तुमसे ये जानना भी चाहता है कि आखिर ये रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ है, आखिर ये रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ है, या फिर ए वेक्टर से कितने एंगल पे है। तो देखो हमें अभी एक चीज और कैलकुलेट करनी है कि इस रिजल्टेंट वेक्टर का कितना एंगल है या फिर क्या पोजीशन है फ्रॉम ए वेक्टर। मैं मान लेता हूं कि रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर से अल्फा एंगल पे है, कितने एंगल पे है बच्चों, अल्फा एंगल पे है। तो आखिर हमको इस अल्फा के बारे में भी जानना है। याद रखना ये एंगल कितना है बच्चों, ये एंगल कितना है, ये थीटा है, थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। और फाइंड क्या करना है इस बार मुझे बच्चों, अल्फा। तो मैं कंफ्यूज ना हो तुम लोग इसलिए इस वाले पार्ट को रब कर देता हूं। देख सकते हो इस फिगर में मैंने थीटा दिखा रखा है, मैंने इस फिगर को सिर्फ इसलिए रब नहीं किया था। तो क्या तुम बच्चों यहां से इस ट्रायंगल को देख के मुझे tan अल्फा की वैल्यू बता सकते हो? अरे हां सर, क्यों नहीं बता सकते। लो tan अल्फा, tan अल्फा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आखिर इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कितना बड़ा है, साइज पूछ रहा हूं, वेक्टर नहीं पूछ रहा हूं। सर ये b sin थीटा के बराबर है, सर ये b sin थीटा के बराबर है। आखिर इस ट्रायंगल का बेस कितना बड़ा है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूं भाई, वेक्टर वेक्टर नहीं चाहिए। तो a plus b cos थीटा के बराबर है। क्या tan अल्फा हो जाएगा b sin थीटा अपॉन a plus b cos थीटा। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से तुमने पढ़ लिया। तो यहां से अल्फा ही तो बताना है, अल्फा ही तो बताना है। तो अल्फा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स b sin थीटा होल अपॉन a plus b cos थीटा। ये है वो एंगल जिस पे मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है। किस वेक्टर से बच्चों, किस वेक्टर से? सर ए वेक्टर से। तो अगर मुझे बी वेक्टर से पूछता कितने एंगल पे है, तो फॉर्मूला बस हल्का सा चेंज हो जाता, ये बन जाता a sin थीटा अपॉन b plus a cos थीटा। अगर मुझसे ए वेक्टर से पूछा है तो b sin थीटा अपॉन a plus b cos थीटा। इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। ये दो फॉर्मूले, जो एक रिजल्टेंट का तुम्हारे पास निकल के आया है और एक जो एंगल का तुम्हारे पास निकल के आया है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है तुम्हारे लिए। और तुम जितनी जल्दी इन फॉर्मूलों को याद रख सकोगे उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। तो एक दो क्वेश्चन करा दो सर, एटलीस्ट थोड़ा तो कॉन्फिडेंस बढ़ा दो हमारा। लो यार बिल्कुल, यही तो मेरा काम है आखिर। देखो मान लो मैं कहता हूं मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ये है पहला वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट्स, और ये है मेरा दूसरा वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट्स। कह रहा है कि बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ गिवन टू वेक्टर्स। हमें दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करना है। रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए देखो सबसे आसान सवाल मैंने चूज किया है और मैं तुमको धीरे धीरे सिखाऊंगा। सबसे पहले तो ये बताओ क्या इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बता सकते हो? हाँ सर, इस 3 वाले को हम शिफ्ट करके यहाँ ला के अगर रख दो तो दोनों का टेल से टेल जुड़ जाएगा। इस केस में दोनों के बीच जो एंगल बन रहा होगा सर वो 90 डिग्री होगा। मतलब क्या दोनों वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री है? हाँ सर। तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, अगर मुझे दो वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करना है तो रिजल्टेंट निकल के आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा। क्या यही फॉर्मूला था? बिल्कुल। तो बस अप्लाई करना है, मैं यही तो सिखाना चाहता हूँ कि आखिर कितना आसान है ये कॉन्सेप्ट। तुम बताओ जरा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों? क्या सर 4 के बराबर है? हाँ सर 4 के बराबर है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों? क्या 3 के बराबर है? हाँ सर 3 के बराबर है। तो ए का स्क्वायर कितना है बच्चों? सर 16। बी का स्क्वायर कितना है बच्चों? सर 9 प्लस 2 इंटू 4 सॉरी
टू इंटू फोर इंटू थ्री इंटू कॉस 90 डिग्री। क्या बच्चों को मुझे कॉस 90 की वैल्यू बताओगे? हाँ सर, आपको इतना भी नहीं पता, ये तो जीरो होता है, ये तो जीरो होता है। और अगर कॉस 90 जीरो होता है तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा बच्चों? सर जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करने पर भी चीजें जीरो ही रहती है। तो 16 प्लस 9 का ये 25 होता है बच्चों। हाँ सर, तो जो रिजल्टेंट आया क्या वो अंडर रूट ऑफ 25 के बराबर आया? हाँ सर, तो यहाँ से रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया सर? 5 यूनिट्स के बराबर। अरे सर, प्लस माइनस 5 होना चाहिए ना? हाँ भाई, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आया? 5 यूनिट्स के बराबर। तो ये हो गया एक तो मैग्नीट्यूड। अभी और क्या बचा है सर? ये भी बताओ ना कि आखिर आखिर ये रिजल्टेंट है कहाँ? तो बच्चों मैंने तो कहा ही है कि एक ट्रायंगल के दो साइड्स अगर रिप्रेजेंट करता है ए और बी कुछ इस तरीके से कि ए का हेड बी के टेल से जुड़ता है, तो ये तीसरा वाला साइड जहाँ टेल से टेल और हेड से हेड जुड़ रहा है, यही तो है आखिर मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो आखिर रिजल्टेंट वेक्टर इस पहले वेक्टर से जिसको मैं ए वेक्टर मान के अपने सवाल में सॉल्व कर रहा हूँ से कितने एंगल पे है? आखिर ये एंगल पता करके बता दो सर। लो, डायरेक्ट निकालेंगे यार, कोई बड़ी चीज नहीं है। कि आपको मैंने एंगल का फॉर्मूला भी सिखाया है? हाँ सर, सिखाया है ना। क्या होता है बच्चों? सर एंगल का फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। क्या यही होता है बच्चों? हाँ सर, यही तो होता है। लो वैल्यू पुट करो भाई, कोई बड़ी चीज नहीं है। ले देख, टेन इनवर्स क्या बी, बी मतलब 3 के बराबर साइन 90। हाँ सर, अपॉन ए मतलब 4 प्लस 3 कॉस 90। हाँ सर, cos 90 जीरो होता है तो 3 cos 90 कितना होगा? अरे यार, 0 into 3 करोगे तो 0 ही रहेगा। तो ये कितना निकल के आया सर? ये निकल के आया tan inverse के sin 91 होता है तो 3 upon 4। और क्या हम जानते हैं कि tan inverse 3/4, tan inverse 3/4 तब होता है जब खुद एंगल कितना होता है बच्चों? 37 डिग्री के बराबर। तो सर इस सवाल का पूरा आंसर है कि a वेक्टर और b वेक्टर का रिजल्टेंट जो आया है उसका मैग्नीट्यूड है 5, उसका मैग्नीट्यूड है 5। और कहाँ है वो? वो है 37 डिग्रीज पर, ए वेक्टर से 37 डिग्रीज पर। अभी एक चीज और ध्यान देना, क्या ए वेक्टर से 37 डिग्री सिर्फ ऊपर हो सकता है? क्या नीचे नहीं हो सकता? बेटा 37 तो यहां भी आ सकता था, ये एंगल। तो कंप्लीट आंसर इज ए वेक्टर से एंटी क्लॉकवाइज जाते समय 37 डिग्रीज पर मिलेगा आपको आपका रिजल्टेंट वेक्टर। ये एंटी क्लॉकवाइज तो समझते हो ना बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज समझते हो ना? आपकी घड़ी जैसे घूमती है, दैट इज क्लॉक, दैट इज क्लॉकवाइज है ना। और आपकी घड़ी को ऑपोजिट सेंस में अगर घुमाने लगे तो दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो ध्यान से, शायद घड़ी ऐसे घूमती है और हमको ऐसे जाना पड़ा है, दैट इज वाई ए वेक्टर से एंटी क्लॉकवाइज 37 डिग्री पे 37 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाने पे आपको आपका रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। तो बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश, तुमने बहुत ही सही तरीके से इस पूरे पूरे कॉन्सेप्ट को सीख लिया है। अभी और बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं, मतलब क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है। पर यही फॉर्मूला जो तुमने दो फॉर्मूला सीखा है ना, इसी को एक और लॉ से डिराइव करेंगे पहले, उसके बाद क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे ताकि क्वेश्चंस में और दम आना शुरू हो जाए और अच्छा लगना शुरू हो जाए। तो नेक्स्ट बड़ा हेडिंग देखो सब लोग, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। पैरेललोग्राम क्या है सर? पैरेललोग्राम तो और भी आसान है भाई, ट्रायंगल लॉ से भी आसान है। देखो ध्यान से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स क्या कहता है सर? ये मुझे तो बताओ क्या होता है ये लॉ? अरे लो, जानो तुम लोग क्या होता है ये लॉ? क्यों, ये लॉ क्या कह रहा है भाई, ध्यान से सुनो। पैरेललोग्राम समझते हो भाई? हाँ सर, जिसमें ऑपोजिट साइड आमने सामने की साइड जो होती है आपस में पैरेलल होती है। एग्जांपल सर, रोम्बस ले लो, रेक्टेंगल ले लो, स्क्वायर ले लो, दीज आर ऑल पैरेललोग्राम्स। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तो अब क्या है आखिर ये लॉ? तो ध्यान से देखो, पहले तो एक पैरेललोग्राम बना लो, फिर लॉ समझते रहेंगे अपना। सपोज ये एक पैरेललोग्राम है जो मैंने आपको दिखा रखा है यहाँ पे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा पैरेललोग्राम दिखाया है। अब ध्यान से सुनो, लॉ कहता है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर कुछ ऐसे रखे जाए, जैसे मान लो वो पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो। क्या आप एडजेसेंट मतलब समझते हो? हाँ सर, समझते हैं ना। मतलब अगर ये ए वेक्टर है तो
या तो ये है बी वेक्टर या तो ये है बी वेक्टर, क्योंकि ये दोनों ही ए के एडजेसेंट है, पर इस बार लॉ पिछले लॉ से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या ए और बी जब ट्रायंगल लॉ में रखे जाते थे तो कुछ ऐसे रखे जाते थे कि ए का हेड बी के टेल से कॉइंसाइड किया करता था? हाँ सर, पर जब ए और बी वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ में रखे जाएंगे तो कुछ ऐसे रखे जाएंगे कि पहले से ए का टेल और बी का टेल आपस में कॉइंसाइड कर रहे होंगे। तो आखिर बताओ ऐसा कौन सी साइड चूज करूं, ये कि ये जहां पे बी वेक्टर रखना है? सर ये वाली, क्यों? क्योंकि यहां पे आप ए के टेल से बी के टेल को जॉइन कर सकते हो। देखो ध्यान से कि ए का टेल बी का टेल आपस में जॉइन हो गया। हां सर, तो क्या ये बन जाएगा बी वेक्टर? हां, तो देखो ध्यान से लॉ क्या कहता है, मेरे को ध्यान से समझो। अच्छा ये एंगल अगर थीटा हो, अगर ये एंगल थीटा हो तो मुझे जरा बताओ ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल कितना है? इस पर थीटा ही है। अरे देखो ना यार, पहले से टेल जुड़ी है यार, और यही तो कहा अभी था हमने कि टेल से टेल मिलाएंगे तो उनके बीच बनने वाला एंगल ही हमारा एंगल बिटवीन वेक्टर बनता होगा। अब लॉ पे आओ फिर से सर, आप बार बार लॉ से भटक जाते हो। हाँ यार क्या करूं, आदत है इधर उधर गलती से निकल जाने की, पर मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर कुछ इस तरीके से रखे जाए कि वो किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें भी ए वेक्टर का टेल और बी वेक्टर का टेल आपस में कॉइंसाइड कर रहे होंगे, तो ऐसे पैरेललोग्राम का वो डायगोनल, क्या चीज बोलो, क्या बोला मैंने, वो डायगोनल जो दोनों के टेल से शुरू होके ऑपोजिट कॉर्नर तक जा रहा हो। ध्यान में रखने वाली बात यह कि वो डायगोनल शुरू कहां से होगा, दोनों के टेल से शुरू होके ऑपोजिट कॉर्नर पर जाके मिले, ये डायगनल ही होता है, ये डायगनल ही होता है बच्चों रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मैं इसको आर वेक्टर लिख लूं या लिख लूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो देखो बहुत ही आसान सा लॉ हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम लॉ। फिर से रिपीट कर दो ना सर एक बार। बिल्कुल करूंगा बच्चों, बिल्कुल करूंगा। क्या कहता है ये पैरेललोग्राम लॉ कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर्स को हम कुछ इस तरीके से रखें, जैसे कि मान लो किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को शो कर रहे हैं और उसमें भी दोनों ही वेक्टर का टेल और दोनों वेक्टर का टेल पहले से आपस में जॉइंड है या कॉइंसाइड कर रहा है, तो ऐसे पैरेललोग्राम का वो डायगोनल जो दोनों के टेल के कॉमन पॉइंट से शुरू होके ऑपोजिट कॉर्नर तक जा रहा होगा, वही इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होता होगा। तो ये बहुत ही आसान सा एक लॉ था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पैरेललोग्राम लॉ बोलते हैं। सर डेरिवेशन कैसे करेंगे आखिर, क्या है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्या ये रिजल्टेंट वेक्टर ए से अल्फा एंगल पे है, तो आखिर कितना है ये अल्फा? देखो अगर तुमको ट्राइंगल में दिक्कत हुई थी और तुमने मेरा कहना माना था कि तुमको दोबारा 10 मिनट का एक बार क्लिप देख लेना चाहिए, तो विश्वास करो इससे आसान डेरिवेशन कोई नहीं है तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि सेम डेरिवेशन मैं रिपीट करके दिखाता हूं तुमको। देखो कैसे मैं एक बार फिगर को ना यहां बना लेता हूं। देखो मान लो ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, तो क्या ये है वो पैरेललोग्राम जो ए वेक्टर और बी वेक्टर से मिलके बन रहा है? हाँ सर। अगर ये बी वेक्टर है बच्चों, तो जरा मुझे बताओ ये कितना होगा, ये कितना होगा? सर क्या आप ऐसा नहीं लग रहा कि बी वेक्टर को ही आगे शिफ्ट करती है हो? हाँ, तो अगर ये बी वेक्टर है तो बच्चों ये भी कितना होने वाला है, बी वेक्टर। और सिमिलरली अगर ये ए वेक्टर है तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा के बताओ ये भी क्या होगा, ए वेक्टर। सर ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बार बार क्या बोल रहे हो, पिछला लेक्चर देखोगे तो ही समझ में आएगा बेटा, वरना कोई जरूरत नहीं इस लेक्चर को देखने की, तुम अभी बंद कर दो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। पर रिजल्टेंट या फिर शिफ्टिंग अगर तुम समझ नहीं पा रहे बेटा, तो उसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। मैंने पिछले लेक्चर में बहुत तरीके से समझाया है शिफ्टिंग का मतलब। अब ध्यान से सुनो, अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर ही होता, ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर होता। पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग ये दोनों का टेल और ये जो है ऑपोजिट डायगोनल, इसको जॉइन करें तो यही तो है मेरा रिजल्टेंट। एक बार को, एक मिनट के लिए जरा इस बी वेक्टर को भूलो, इस डॉट लाइन को भूलो, तो फिर से ट्रायंगल लॉ नहीं नजर आ रहा यार। अरे हाँ यार, सही, तो ट्रायंगल लॉ ही तो है बेटा, लॉ तो वही रहेगा ना यार, आंसर जब वही निकालना है तो कॉन्सेप्ट भी तो वही होगा, बस देखने का तरीका बदला जा रहा है। क्या मैं एक बार फिर से बात कर सकता हूँ इस चीज के बारे में कि अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये पूरा एंगल जो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच है वो थीटा है, तो पक्की बात है सर कि ये एंगल भी थीटा होगा? हाँ सर, ये एंगल भी थीटा होगा। क्या ये बी वेक्टर है? हाँ सर। तो क्या बी का एक कंपोनेंट नीचे आएगा, बी कॉस
थीटा, हाँ सर तो क्या ये बी कॉस थीटा होगा, ये बी साइन थीटा होगा, हाँ सर ये तो पहले कर चुके हैं हम लोग, ये कोई बहुत नई चीज नहीं है। तो फिर से लेकिन एक बार रिपीट कर देता हूँ, देखो ध्यान से, मैं बी वेक्टर के दो कंपोनेंट करता हूँ, ये बनेगा बी कॉस थीटा, ये बनेगा बी साइन थीटा। अब ध्यान से देखो क्या किया जाएगा, ये बना तुम्हारा ए वेक्टर, शाबाश बच्चों शाबाश, सर ये हो गया मेरा बी वेक्टर कॉस थीटा, हाँ सर बच्चों शाबाश, क्या ये हो गया मेरा बी वेक्टर का साइन थीटा, हाँ हो गया बच्चों शाबाश, क्या ये हो जाएगा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर, हाँ हो गया बच्चों शाबाश, क्या मैं फिर से यहाँ पे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेसिस स्क्वायर फार्मूला यूज करूंगा, बिल्कुल करोगे सर, जब मैं उसको यूज करूंगा तो फिर से क्या रिजल्ट निकल के आएगा बच्चों, क्या तुम सोच सकते हो, बिल्कुल सोच सकते हैं सर, आपको आगे डिराइव करने की जरूरत नहीं है, नहीं बच्चों डिराइव तो मैं करूंगा, आखिर मेरा काम ही यही है, तो काम यही है तो लो करो सर, टाइम पास करते रहो। आर स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकता हूँ बच्चों, मैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकता हूँ बच्चों परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कैसे लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हो, इसको सॉल्व करो सर लो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा, ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा, क्या मैं फिर से इसमें से बी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन जाएगा, हाँ सर बन जाएगा, तो आप लिख सकते हो इसको आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। अरे सर बहुत स्पीड में पढ़ा रहे हो, हाँ भाई पढ़ाना पड़ रहा है, तुम्हें लोगों से एनर्जी मिलती है क्योंकि तुमने अभी तक लेक्चर ध्यान से देखा है और तुम्हें सब समझ में आ रहा है, तो इसी उम्मीद को रखते हुए मैं यहाँ पर अपनी स्पीड बढ़ा रहा हूँ। क्या मुझे बस एक ही काम बचा है, वह रूट लगाना, रूट लगाऊंगा तो फॉर्मुला मिलेगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, भूलना नहीं है, थीटा क्या है बच्चों, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का बच्चों एंगल है। आखिर रिजल्टेंट खुद ए वेक्टर से कितने एंगल पे है, क्या मुझे ये भी निकालना है, तो ये रहा अल्फा, और क्या फॉर्मूला आएगा, अल्फा इज इक्वल टू टैन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो सर ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में रिजल्ट तो बिल्कुल सेम है, डेरिवेशन का तरीका भी बिल्कुल सेम है, हाँ बच्चों बिल्कुल सेम है, लॉ भी दोनों सेम ही है, क्योंकि दोनों लॉ का एक ही मकसद है बच्चों, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट बताना, हमको दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट बताना। मैं आज इतने पे ही अपना लेक्चर रोक देता हूँ क्योंकि मैं इतनी ही आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप दोनों ही लॉ को कम से कम खुद से दो से तीन बार डिराइव करोगे, कम से कम खुद से दो से तीन बार डिराइव करोगे, और विश्वास करो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपने इन दोनों लॉ को रट लिया या फिर समझ लिया या डिराइव करके देख लिया दो तीन बार, उतना ही मजा आने वाला है आपको अगले लेक्चर में। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा या ऐसे ऐसे सवाल बस देख के करना सिखाऊंगा जो बच्चे कैलकुलेशन कर करके किया करते हैं, पर उससे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या बहुत ज्यादा जरूरी है, इन दोनों ही लॉ को बहुत ही तरीके से समझ जाना, बहुत ही तरीके से समझ जाना, उसके बाद ही कल बच्चों हमें मजा आएगा आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करने में। अच्छा इतने चीजों में बेटा मेरे को नहीं लगता है तुम्हें कोई थोड़ी सी भी समस्या हुई होगी, अगर कहो तो ठीक है, कुछ लगता नहीं है, कुछ भी आपको जानने की जरूरत है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, इतना तो पता चलना चाहिए ना कि आखिर आप समझ पाते हो कि नहीं, पता चल जाएगा मुझे इस एक क्वेश्चन से कि आपने लॉ देखा भी समझा भी कि नहीं। एक क्वेश्चन है जिसमें मेरे पास दो वेक्टर है, मान लो एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 4, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 3, ठीक है, इन दोनों ही वेक्टर्स के बीच का ये एंगल दे रखा है आपको बच्चों, ये एंगल आपको दे रखा है मान लेते हैं 143 डिग्री के बराबर, 143 डिग्री के बराबर, कॉमन सेंस का यूज कर लेना, मैं हिंट दे देता हूँ, ये होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जब ट्रायंगल लॉ लगाते हैं। ट्रायंगल लॉ में ये बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, और देखोगे ध्यान से तो वो 143 है ना, तो जब सम कर डिफरेंस करके देखना वो 37 आएगा, कितना आएगा बच्चों 37, और cos 37 sin 37 सब जानते हो तुम भाई, बहुत मेहनत से पढ़ाया है, ऐसा नहीं है बकवास की तुम लोगों के साथ, तो cos 37 sin 37 सब जानते हो, मतलब तुम्हारे लिए कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा। अगर ये 4 और 3 दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड है 4 और 3 के बराबर, एक्चुअली ए वेक्टर है मान लो ये, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3, तो तुम्हें बताना है कि आखिर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा और दूसरा वो कितने एंगल पे है,
पहले वेक्टर यानी कि ए वेक्टर से। प्लीज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करना बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तुम सही कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हारा आंसर जरूर सही आएगा, और आंसर कुछ भी आए बेटा सही या गलत करते हो वो ज्यादा खुशी देती है मुझे, उससे ज्यादा खुशी मिलती है मुझे। तो प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद कमेंट में जरूर आंसर देना है ताकि मुझे भी पता चले कि क्या गलतियां हो रही है तुमसे, या आखिर तुम्हें मेरा लेक्चर समझ में आया है कि नहीं आया है। तो ये छोटी सी क्लास थी बच्चों आज आप लोगों के लिए, मुश्किल से 40 से 2 मिनट ऊपर की होगी। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आप समझ पाओगे, मुझे भरोसा है कि आप मेरी बात का विश्वास करोगे और प्रॉमिस करोगे कि आप ये लेक्चर एक बार नहीं बल्कि 2 बार देखोगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले लेक्चर में हम बहुत ज्यादा मजा करने वाले हैं। तब तक के लिए खुश रहो, हंसते रहो, मस्त रहो, अपने घर में रहो, खाते पीते रहो बढ़िया, अपना ध्यान रखो और अपने फ्यूचर का भी ध्यान रखो। थैंक यू बच्चों।